द्रौपदी से विवाह के उपरांत पांडवों ने आपस में एक समझौता किया जिसके अनुसार हर एक पांडव को द्रौपदी के साथ एक साल तक रहने का अवसर दिया गया और इसी तरह पांचों भाइयों के द्वारा एक एक साल पूरे किए जाने के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से ये क्रम फिर से शुरू होगा। साथ ही साथ शर्त में इस बात का उल्लेख भी किया गया था कि जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तो दूसरा कोई पांडव उनके महल में प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार के समझौते ने किसी भी पांडव को द्रौपदी के साथ दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाते समय किसी और पांडव के द्वारा विघ्न उत्पन्न किए जाने की संभावना को समाप्त कर दिया। एक बार जब अर्जुन ने अनजाने में इस शर्त का उल्लंघन कर दिया तो दंड स्वरूप उसे 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। कहानी के अनुसार जब एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई और वो अर्जुन से सहायता लेने हेतु वहां पहुंचा तब अर्जुन उसकी मदद करने के लिए महल के भीतर रखे हुए अपने धनुष को लेने के लिए गए थे और इसी समय उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर को साथ में देख लिया। कहानी आगे कहती है कि जब द्रौपदी ने अर्जुन से इस प्रकार अंदर चले आने का कारण पूछा तब अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा कि चूंकि उन्होंने युधिष्ठिर के खड़ाऊं दरवाजे के बाहर नहीं देखी तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि धर्मराज उस समय द्रौपदी के साथ एकांत में होंगे। कथा के अनुसार कोई कुत्ता युधिष्ठिर के खड़ाऊं को दांतों में दबाए हुए वहां से ले गया था जिसके चलते इतनी सारी समस्याओं की उत्पत्ति हुई और इसी कारण बाद में द्रौपदी ने सभी कुत्तों को लज्जाहीन होकर सबके सामने संभोग करने का अभिशाप दे दिया। भले ही ये मिथक जनमानस में कितना भी प्रचलित क्यों ना हुआ हो महाभारत में इस घटना का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। हाँ ये बात अवश्य सत्य है कि ब्राह्मण की मदद करने हेतु अर्जुन सब कुछ जानने के बाद भी महल में अपने शस्त्र लेने के लिए दाखिल हुए। ये निश्चित ही उनके परोपकारी चरित्र को दर्शाता है जिसके चलते अर्जुन स्वयं पर वनवास का दंड लेते हुए भी असहाय ब्राह्मण की सहायता करने से पीछे नहीं हटे। महाभारत के इन श्लोकों द्वारा ये बात प्रमाणित हो जाती है कि अर्जुन के वनवास जाने के पीछे किसी कुत्ते के द्वारा किए किसी कार्य का कोई वर्णन नहीं मिलता तथा द्रौपदी के द्वारा कुत्तों को दिए गए शाप की कहानी के पीछे कोई सत्यता नहीं है।